TPS YouTube क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पुनः अपने उसी अध्याय को पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर हमने किए छात्रों। प्रश्नोत्तरों के बाद अब हमारे कुछ व्याकरण के बिंदु रहे थे, उन बिंदुओं में दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जैसे प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण हर पाठ के अंतर्गत आने वाला एक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न में उत्तर दिया जाता है और उत्तर के माध्यम से आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो उस प्रकार से दोस्तों प्रश्न निर्माण वाले बिंदु को आरंभ करने से पहले मैं आपको संधि पढ़ा चुका हूँ। संधियों के बाद प्रश्न निर्माण हम करेंगे। तो पहले मैं संधियों वाला प्रश्न स्पष्ट किए देता हूँ दोस्तों। संधि हमारी प्रश्न नंबर व्याकरण का प्रश्न है, वृद्ध प्लस उप से विनः। दोस्तों पाठ 3 मानव धर्म प्रश्नोत्तर दोस्तों प्रश्नोत्तर में पहला है हमारा संधि वृद्ध प्लस उपसेविनः। दोस्तों प्रश्न है वृद्ध प्लस उपसेविनः बराबर। देखो यहाँ पर हमें वृद्ध प्लस उपसेविनः संधि करके और संधि कार्य लिखना होता है। संधि हुई वृद्धो प से वी नह, सूत्र का नाम था आद गुणः। दोस्तों यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा? आद गुणः सूत्र से वृद्धि कार्य हुआ, वृद्ध प्लस उपसेविनः वृद्धोपसेविनः। लेकिन आपको पूछा गया है संधि का नाम, तो संधि का नाम होगा गुण संधि। संधि का नाम पूछा है, संधि का नाम है गुण संधि। अगला शब्द है कृष्ण प्लस वर्तमान प्लस ईव। कृष्ण वर्तमान प्लस ईव दोस्तों अगला शब्द है कृष्ण वर्तमान प्लस ईव बराबर पद बना कृष्ण वर्तमे ईव। अगला पद बना कृष्ण वर्तमे ईव। दोस्तों इसमें भी संधि कौन सी हुई? गुण संधि। सूत्र वही है आद गुणः कृष्ण वर्तमान ईव। और यहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए होकर के गुण संधि हुई। अगला शब्द है आचारात लभते, आचारात धन लभते। अगला शब्द है छात्रों आचारात धन लभते। अब देखो यहाँ पर आचारात लभते तो संधि बनेगी आचारा ल लभते, आचारा लभते। दोस्तों यहाँ पर आचारा लभते क्यों हुआ? आचारात लभते क्यों हुआ? यहाँ पर एक संधि हुई पर सवर्ण संधि। सूत्र है दोस्तों इसका तोरली, तोरली यानी तय वर्ग के बाद लय वर्ण के आने पर कौन सी संधि होती है दोस्तों? पर सवर्ण संधि होती है। तो यहाँ यदि हम सूत्र लिखेंगे तो सूत्र है हमारा तोरली। तोरली सूत्र के माध्यम से कौन सी संधि हुई यहाँ पर सवर्ण संधि। दोस्तों तोरली सूत्र कहता है
कि तय वर्ग के बाद यदि लय वर्ण आता है तो उस तय वर्ग को लय वर्ण में बदल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर संधि ही पर सवर्ण संधि तोरली सूत्र अगर आपसे पूछता है दोस्तों तो सूत्र होगा तोरली। अगला है नार्यः प्लस तु, नार्यः प्लस तु बराबर नार्यस्तु। यहाँ पर दोस्तों संधि का नाम है सत्व विसर्ग संधि। संधि है सत्व विसर्ग संधि। अगला है अमित्रात प्लस अपि, अमित्रात धन अपि। दोस्तों अमित्रात धन अपि यहाँ पर तय है जो कि हलंत वर्ण है उसके बाद ए है और बना हमारा शब्द अमित्रादपि बराबर जसत्व संधि। और दोस्तों सूत्र हुआ झलाम जसो अंते। यहाँ पर तय वर्ण को दय वर्ण होकर के संधि कार्य हुआ, सूत्र हुआ झलाम जसो अंते। दोस्तों ये हमारे संधि विच्छेद पद थे जिन्हें हमें संधि करके संधि का नाम और सूत्र दिया। अगला हमारा प्रश्न है कि अधोलिखित पदानाम अधोलिखित निर्दिष्ट पदानाम संधि कृत्वा संधि विग्रह कृत्वा संधि नाम अपि लिखत, कि संधि विग्रह करके संधि का नाम भी लिखना है आपको। तो जैसे चानुत्तमम दोस्तों शब्द है चानुत्तमम बराबर चानुत्तमम संधि विच्छेद करना है च प्लस अनुत्तमम। दोस्तों संधि विच्छेद हुआ च प्लस अनुत्तमम चानुत्तमम। यहाँ पर संधि का नाम है छात्रों दीर्घ संधि, संधि का नाम है दीर्घ संधि। और सूत्र आप लिख सकती हैं अकह सवर्णे दीर्घ। छात्रों सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अगला है तान्येव, अगला पद है छात्रों तान्येव। तो तानी धन एव, तानी धन एव। और संधि हुई यहाँ पर यण संधि। छात्रों सूत्र है इको यणची, इको यणची। इस सूत्र के माध्यम से संधि हुई यहाँ पर यण संधि। अगला शब्द है हमारा यत्र एतास्तु, यत्र एतास्तु संधि युक्त पद है। यत्र एतास्तु संधि होगी यत्र प्लस एतास्तु, यत्र प्लस एतास्तु। यहाँ पर संधि हुई वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेचि। छात्रों सूत्र का नाम लिखना है वृद्धि रेचि। अगला पद होगा अगला पद है बालाद अपि। छात्रों बालाद अपि विग्रह पद बनेगा बालाद, बालात धन अपि बराबर संधि का नाम होगा जसत्व संधि। सूत्र होगा झलाम जसो अंते। सूत्र कौन सा होगा छात्रों? सूत्र होगा झलाम जसो अंते। सूत्र लगेगा छात्रों झलाम जसो अंते। अगला पद है हमारा
बारे अधिगच्छति बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पद। कई बार पेपर में आ चुका है छात्रों ये प्रश्न, बारे अधिगच्छति महत्वपूर्ण पद हैं, कई बार पेपर में आ चुका है बारी धन अधिगच्छति पुरुस्तो बारी धन अधिगच्छति। ये प्रश्न ये शब्द कई बार आया हुआ है पेपर में, कई बार लगातार आ चुका है कि बारी अधिगच्छति या तो आपको संधि पद दे देता है या आपको विग्रह पद दे देता है और एक पद आपसे पूछ करके संधि का नाम पूछ लेता है। बारी धन अधिगच्छति बराबर यण संधि। और छात्रों सूत्र वही है जो हम लगाते हैं इको यणची, सूत्र वही है इको यणची। और यहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ और बन गया बारी धन अधिगच्छति बारी अधिगच्छति। अगला पद है, हाँ ये हमारे संधि वाले प्रश्न समाप्त हुए। पहले प्रश्न में संधि करके संधि का नाम देना था, दूसरे प्रश्न में संधि विग्रह करके संधि का नाम देना था। सूत्र का नाम भी मैंने आपको बताया क्योंकि पेपर में आपसे सूत्र का नाम पूछता है कि सूत्र नाम उल्लेखम कुरुत, सूत्र के नाम का उल्लेख भी करो, सूत्र नाम उल्लेखम कुरुत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समास अभी हमने आपको कराए नहीं। यहाँ पर लकार, बस ये हमारे छात्र हुए प्रश्न उत्तर। कल मैं आपको समझा रहा था कि हमारे प्रश्न पत्र में 4 नंबर का एक बहुत सिंपल सा प्रश्न आता है और वो प्रश्न है कि आपको पेपर में उत्तर दिया जाता है और उत्तर देकर के उसका प्रश्न निर्माण कराया जाता है। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न आता है, बहुत ही सरल प्रश्न होता है। छात्रों मैं आपको उस प्रश्न की ओर ले चलता हूँ जिसमें आपको 4 अंक प्राप्त होंगे, इसलिए मैं आपको आज एक छोटा सा व्याकरण का बिंदु है और बिंदु का नाम है प्रश्न निर्माण। छात्रों हमारा प्रकरण है प्रश्न निर्माण। अगला हमारा, देखो बीच बीच में व्याकरण भी चलती रहेगी और पाठ्य पुस्तक के अध्याय भी चलते रहेंगे, अच्छा समावेश रहेगा। 2 पाठ पढ़ा दिए, व्याकरण का एक टॉपिक करा दिया, फिर 2 पाठ पढ़ा दिए, व्याकरण का एक टॉपिक हो गया। छात्रों ये 4 नंबर का 4 अंक का आपका ये एक छोटा सा व्याकरण का टॉपिक है और उस प्रकरण का नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण होता क्या है, किस प्रकार से मॉडल आपको पेपर में आता है छात्रों, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी पाठ्य पुस्तक की हर पाठ के बाद ये प्रश्न आता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सीधा प्रश्न यही आएगा, इसका एक ही मॉडल है कि नीचे लिखे हुए पद में वाक्य में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। दोस्तों रेखांकित आ जाता है और कई बार रेखांकित नहीं आए तो गहरे काले पद के आधार पर या तो हो जाता है रेखांकित, और रेखांकित नहीं होता है तो गहरे काले पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो हमें उस गहरे काले पद या रेखांकित पद पर गौर करते हुए प्रश्न निर्माण करना होता है। यह परीक्षक हमसे पूछता है कि नीचे लिखे हुए वाक्य में
गहरे काले पद या रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। एक एक नंबर के चार प्रश्न होंगे, पूरा प्रश्न एक होगा, अंक होंगे चार। तो इस प्रश्न निर्माण को हल करते समय सर्वप्रथम हमें प्रश्नवाचक शब्द, कौन सा दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द पर बहुत अधिक गौर करना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, किसके आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। तो कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनमें से सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण है कि स्थानवाचक शब्द। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा स्थानवाचक शब्द कि जब उत्तर में स्थानवाचक शब्द को रेखांकित किया जाता है या गहरा काला किया जाता है तो दोस्तों उसका प्रश्न बनाते समय एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रश्न बनाते समय कुत्र, कौन सा शब्द है, कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द है कुत्र, हिंदी अर्थ होता है कहाँ, कुत्र यानी कहाँ। तो कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन दिमाग में बसा लो कि जब हमें उत्तर में कोई स्थानवाचक शब्द रेखांकित किया जाता है या गहरा काला किया जाता है तो छात्रों उस पद को तो देंगे हम हटा, क्योंकि वो तो उत्तर है, और उसके स्थान पर हम कुत्र शब्द को लगा करके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये हमारा एक नंबर हुआ। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि उत्तर तो सही कर देते हैं लेकिन अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, निश्चित ही आपके नंबर कट जाएंगे, इसमें कोई घबराए नहीं, क्योंकि वहाँ लिखा होता है, स्पष्ट होता है कि अधोलिखित पदानाम प्रश्न निर्माणम कृत्वा प्रश्न निर्माणम पूर्णतः कुरुत, यानी प्रश्न निर्माण पूर्णतः हल करना है आपको, प्रश्नवाचक शब्द भी लिखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो इस प्रकार से दोनों को लिखते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। परंतु इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यातव्य के रूप में ध्यान रखनी है, या जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नोट, विशेष, हिंदी में बोलते हैं विशेष, इंग्लिश में बोलते हैं नोट, और संस्कृत में बोलते हैं ध्यातव्य। ध्यातव्य होता है दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात। आपको ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर एक ये है कि यदि स्थानवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है तो हमारा ये नियम लगता है। ये स्थानवाचक शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, कर्ता के स्थान पर। अगर स्थानवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो छात्रों यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, और यदि ये कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होगा तो आप निश्चित ही आपको क्या लगाना है, कुत्र लगा करके प्रश्न निर्माण पूरा करना है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब कुत्र का प्रयोग होता है छात्रों तो निश्चित ही समझ लें आप कि उत्तर में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्तर में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीया या सप्तमी। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दो चीज़ें आपको ध्यान है तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कि एक तो स्थानवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, और नंबर दूसरी बात है छात्रों कि यदि कुत्र का प्रयोग होगा तो द्वितीया और सप्तमी विभक्ति कर्तृ विभक्ति उस शब्द में स्थानवाचक शब्द में प्रयुक्त होते हैं। त
तब तो ये हमारा सही है, अन्यथा हमारा ये सही नहीं। बस ये दो बातें ही आपको विशेषकर याद रखनी है कि यदि स्थानवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर इस कुत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक बात। नंबर दूसरी बात कि जब कुत्र का प्रयोग होता है तो छात्रों वहाँ पर उस स्थानवाची शब्द में द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, या तो द्वितीय व्यक्ति आएगी या कौन सी आएगी छात्रों, सप्तमी व्यक्ति। एग्जाम्पल यथा, जैसे हमने कहा कि बालक है देवालयम गच्छति, छात्रों एक उदाहरण लिखा मैंने और यहाँ पर ही आ गया रेखांकित पद, तो कहा कि इस वाक्य को देखकर के प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। बालक है देवालयम गच्छति, तो यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा है छात्रों, देवालय, जो कि एक स्थान है। आप भी जानते हैं कि देवालय क्या है, स्थान है, तो देवालय स्थान होने के कारण यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का, क्योंकि स्थान है इसलिए हम प्रश्न निर्माण करेंगे छात्रों, बालक है कुत्र गच्छति, ये लो बालक है कुत्र गच्छति, ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। आप कहोगे सर जी कैसे हुआ, क्योंकि देवालय में द्वितीय व्यक्ति आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर नियम लिखा हुआ है बोर्ड पर, यदि स्थानवाची शब्द में द्वितीय व सप्तमी व्यक्ति होती है तो कुत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये कर्ता के स्थान पर है ही नहीं क्योंकि देवालय यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो बालक है कुत्र गच्छति, तो यहाँ पर अंत में हमने क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जैसे छात्र विद्यालय पढ़ती, छात्रों रेखांकित पद हैं, विद्यालय क्या आएगा प्रश्न निर्माण करते समय, छात्र कुत्र पढ़ती, ये लो हमारा प्रश्न निर्माण हो गया कि कहाँ पढ़ता है भाई छात्र, विद्यालय में पढ़ता है छात्र, कहाँ पढ़ता है विद्यालय। यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आई, द्वितीय या सप्तमी व्यक्ति आती है, तो छात्र हम कुत्र का प्रयोग करते हैं, और एक आपको सबसे अच्छा फायदा ये मिलेगा कि कुत्र शब्द के रूप नहीं चलाए जाते हैं, तीनों लिंगों में अव्यय है, तीनों लिंगों में इसके रूप नहीं समान ही रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे अच्छा फायदा है कि चाहे पुरलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, केवल हम किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक इसका अपवाद आपको मैं देता हूँ, जैसे हमने लिखा मथुरा कृष्णस्य जन्म भूमि अस्ति, छात्र एक उदाहरण लिखा मैंने कि मथुरा कृष्ण की जन्म भूमि है, कृष्ण की जन्म भूमि है, छात्रों मथुरा कृष्णस्य जन्म भूमि अस्ति, प्रश्न निर्माण करो, मथुरा को रेखांकित किया है। मथुरा यहाँ पर क्या है, स्थान है, आप सब जानते हैं कि मथुरा क्या है, स्थान, तो मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। अब इसका यदि आप प्रश्न निर्माण करोगे तो बच्चे क्या रट के रखते हैं कि स्थान आए लगा दो कुत्र, स्थान आए लगा दो कुत्र, नहीं, मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पर यदि कर्ता के लिए स्थान आता है तो वहाँ कदापि कुत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप यहाँ कुत्र का प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि कारण क्या है इसका, कारण है कि स्थान तो ये है लेकिन इस स्थान का जो प्रयोग हुआ है वो छात्रों यहाँ कर्ता के रूप में हुआ है,
किसके रूप में हुआ है? कर्ता के रूप में, क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पर जो स्थानवाची शब्द है वो कौन सा है? जन्मभूमि। और जिसको हमने रेखांकित तो नहीं किया है, परीक्षक बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, बच्चे की परीक्षा लेने के लिए वो मथुरा को रेखांकित करता है, जन्मभूमि को रेखांकित तो नहीं करता है। तो मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। तो यहाँ दोस्तों जो हम प्रश्न बनाएंगे वो बनाएंगे कि का कृष्णस्य जन्म भूमि अस्ति। इसका अर्थ हुआ छात्रों, इसका अर्थ है कि कौन सी, का अर्थ होता है कौन सी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, कौन सी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? का। जिस बच्चे ने कुत्र किया उसका उत्तर गलत, और जिसने कहा मेरी बात पर ध्यान दिया कि सर जी ने समझाया था कि वो कर्ता के स्थान पर आता है, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? का। तो का कृष्ण से जन्मभूमि अस्ति, तो मथुरा कृष्ण से जन्मभूमि अस्ति। अगला है, जैसे हमने लिखा कि अयोध्या रामस्य जन्मभूमि अस्ति, अयोध्या राम की जन्मभूमि है। तो यहाँ पर क्या आएगा छात्रों? वही का कौन सी राम की जन्मभूमि है, कौन सी राम की जन्मभूमि है। इस प्रकार से हम यदि स्थानवाची शब्द कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? कुत्र का प्रयोग करते हैं। नंबर एक हुआ हमारा कुत्र। लेकिन एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि यदि ये स्थानवाची शब्द में ना तो द्वितीय विभक्ति आए, ना सप्तमी विभक्ति आए, और ना ही ये कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए यदि उसमें पंचमी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, अन्य कोई विभक्ति है, तो हम किम के रूप के आधार पर उसका प्रश्न निर्माण करते हैं। जैसे छात्रों, बालक हैं विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। दोस्तों विशेष ध्यान रखना है आपको, यदि कर स्थान में, स्थानवाची शब्द में द्वितीय व सप्तमी विभक्ति आती है तो हम लगाते हैं कुत्र। उसके अन्यत्र यदि कोई भी विभक्ति आती है तो हम किम का रूप लगाते हैं। किम शब्द का रूप उत्तर में आई हुई विभक्ति के अनुसार, उत्तर में आए लिंग के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ देखो, बालक है विद्यालयात आगच्छति, तो यहाँ स्थानवाची शब्द है, कर्म के स्थान पर है, फिर भी कुत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इस विद्यालय शब्द में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि बालक है, कुत है आगच्छति, बालक कहाँ से आता है। छात्रों कुतः होता है कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से, क्योंकि यहाँ पंचमी व्यक्ति है, और यहाँ भी ये जो तसल प्रत्यय होता है ये पंचमी व्यक्ति का द्योतक ही होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कुतः। क्या लिखेंगे छात्रों? कुतः, क्योंकि यहाँ कौन सी व्यक्ति है? कुत, पंचमी व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कुतः। तो विशेष का ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा साधारण सा नियम है छात्रों, कि यदि
उत्तर में स्थानवाची शब्द को रेखांकित किया जाता है या गहरा काला किया जाता है, तो उस पद में यदि द्वितीया और सप्तमी विभक्ति आती है, स्थानवाची शब्द को रेखांकित किया जाता है, गहरा काला किया जाता है, उसमें द्वितीया या सप्तमी विभक्ति आती है, तो उसमें हम उसे हटा करके, यानी स्थानवाची शब्द को हटा करके कुत्र का प्रयोग करते हैं, और कुत्र का प्रयोग करते हुए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये हमारा पहला नियम हुआ। छात्रों विशेषकर ध्यान रखना है, इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो पहली बात तो ये है कि स्थानवाची शब्द कर्ता के स्थान पर नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरी बात यह है कि द्वितीया और सप्तमी विभक्ति को छोड़कर के अन्य कोई विभक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि यदि द्वितीया व सप्तमी विभक्ति के अतिरिक्त अन्य विभक्ति की आने पर और कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होने पर कुत्र का प्रयोग नहीं होता है। छात्र विशेष आपको ध्यान रखने की बात केवल यही है, केवल ये दो लाइनें आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि द्वितीया व सप्तमी विभक्ति के अतिरिक्त अन्य विभक्ति के आने पर और कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होने पर कुत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य सभी स्थानों पर हम क्या लगा देंगे, कुत्र। ठीक है, बस ये हमारा एक पहला नियम। नंबर दो, स्थानवाचक हुआ। अब चलते हैं छात्रों स्थानवाचक से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द किम। सबसे महत्वपूर्ण है किम का अध्यापन हम कल करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।